आखिर एमआईएम के 5 विधायक को इतने वोट क्यों मिले थे और खास तौर पर सीमांचल के लोगों ने इस तरह का बदलाव क्यों किया था और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ने का अनुमान है, इन कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बताएंगे कि बिहार में नए सरकार का गठन हो चुका है और एमआईएम के 4 विधायक उसी सरकार के विधायक हैं। बात करेंगे हम आज भी लोग बहादुरगंज विधानसभा में बिजली और नदी कटाव के लिए तरस रहे हैं और साथ ही साथ कई दिनों से लगातार लोग जो है सड़कों पर आ रहे हैं, उसको समय पर बिजली नहीं मिल पा रहा है और जिसके लिए उनके विधायक आज आवाज तक नहीं उठाए हैं। हालांकि बहादुरगंज विधानसभा के विधायक अंजार नेमी है, एमआईएम को छोड़कर वो आरजेडी में चले गए हैं और इस वक्त जो है आरजेडी का सरकार है। कोचाधामन का यही हाल है, यहाँ पर भी नदी कटाव से लोग परेशान हैं, तो ही बिजली की समस्याएं हैं। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। उन मुद्दे को छोड़कर हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर नदी कटाव और बिजली की समस्याएं दिन देखा जा रहा है, ये मूल समस्याओं का हल नहीं निकल पा रहा है। हालांकि लोगों ने पार्टी को बदला और नए सरकार का गठन किया और उसके बावजूद भी आज टेहरागाछ और बहादुरगंज किशनगंज कोचाधामन के लोग आज भी तरस रहे हैं बिजली के लिए, उसको समय पर बिजली नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अब जो है सीधे असर जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि जनता जो है इस बार एमआईएम को एक तरफा वोट इसलिए दिया था कि यहाँ के जो समस्या है उनको दूर कर सके। मूल समस्या, जो बुनियादी समस्या है यहाँ पर, स्वास्थ्य और शिक्षा, बिजली और नदी कटाव, इन समस्याओं को लोग जो है काफी, इन समस्याओं को लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं। लेकिन जो समस्या है जैसे का तैसे है, कोई बदलाव नहीं है और यहाँ के जो विधायक हैं वो आवाज उठाते नहीं है। एक आवाज बना था, एमआईएम यहाँ पर जीता था, लोगों ने एक आवाज दिया था, वोट दिया था कि एक आवाज उठेगा पटना असेंबली में, लेकिन ये 4 आवाज दब चुका है। अब एक ही आवाज है, अमोर विधानसभा के विधायक अख्तुल ईमान है। भले ही इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया में लगातार अख्तुल ईमान अपने कामों से सुर्खियों में है, लगातार जो है कहीं न कहीं सीमांचल सहित पूरे बिहार की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उन इशू को उठा रहे हैं बिहार के, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है विपक्ष का भूमिका एमआईएम के एकलौते विधायक अख्तुल ईमान निभा रहे हैं और इन्हीं से पूरे बिहार के लोगों पर एतमाद और यकीन है कि ये बखूबी जो है जो काम करते हैं वो सराहनीय देखा जा रहा है। फिलहाल बात करेंगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में किस तरह का असर पड़ सकता है, ये देखने को क्या मिल सकता है, आगे देखने को क्या मिल सकता है, इसी पर बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव जिस तरह से अभी चर्चा बना हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से लोग जो है एमआईएम के प्रति अब भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्योंकि 4 विधायक जाने के बाद भी लोगों में काफी गुस्सा है और नए सरकार का गठन होने के बावजूद भी यहाँ पर बिजली की समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पहले था अब भी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि जो बदलाव के लिए एक मुहिम था, जो बदलाव के लिए एक नारा था, वो नारा बिल्कुल दब चुका है। उसी नारे को लेकर लगातार कहीं न कहीं बिहार विधानसभा में सिर्फ अख्तुल ईमान उठा रहे हैं, उनके जो सहयोगी थे वो किनारा ले लिए। फिलहाल लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, सारे लोगों की तैयारी, सारे राजनीतिक दलों की तैयारी जोर शोर पर है, लेकिन किशनगंज में खास तौर पर किशनगंज लोकसभा से एमआईएम के अख्तुल ईमान पिछले दफा भी चुनाव लड़े थे, 3 लाख वोट लाए थे। उस वक्त पार्टी जो है बिल्कुल नया था, अब आने वाले दिनों में पार्टी जो है बहुत मजबूत है, क्योंकि इनके विधायक जो है आरजेडी में जाने के बाद कहीं न कहीं जो वोटर है उनमें नाराजगी है और उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव एमआईएम के लिए जीतना आसान हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से नए सरकार का गठन हुआ और नए सरकार के बावजूद भी यहाँ पर नदी कटाव का काम अब तक शुरू नहीं हो चुका है, जो भी समस्या है वो बिल्कुल अभी समस्या लोगों का बना हुआ है, बिजली का हाल बिल्कुल चौपट है, लोग जो है बिजली को लेकर काफी परेशान है। रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले
बिजली की समस्या से लोग जो है चाहे टेहरागाछ हो या कोचा धामन हो या अमोर विधानसभा में हो लोग छेड़ रहे हैं। और खास तौर पर इसी को लेकर एक बदलाव का फिर से मुहिम चलेगा, क्योंकि यहां पर लगातार जो है कहीं ना कहीं लोकसभा में भी कांग्रेस कब्जे में रहा है और इस सीट को लोकसभा के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब भी इस वक्त पूरी तैयारी में है, लेकिन जनता इस वक्त जो है बदलाव के मूड में देखा जा रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। तरह से न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।